असलमकुम एवरीवान कैसे हो आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो गए अलहमदिल्ला हम भी ठीक है और ये करंट सिनेरियो है हमारे घर का और अब मानसून आ गए हैं तो ज़्यादातर घरों का यही हाल होगा मेरे ख्याल में तो कपड़े वॉश हो जाते हैं तो बाहर तो डाल देती हूँ मैं लेकिन एक दफ़ा ना पंखे के नीचे भी इन्हें हवा खिलानी पड़ती है तब जाके ये हंड्रेड परसेंट सूखते अच्छा जी फिर ये नेक्स्ट डे से ना मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की और सुबह सुबह में मैंने पर्दा हटाया ना विंडो का इतना प्यारा बारिश हो रहा था इतनी प्यारी ठंडक हो गई थी और मीठी मीठी मिट्टी की खुशबू और बस अपना मज़े होते सारे सीजन के ना तो बहुत अच्छा लगा पूरा ना मूड फ्रेश हो गया सुबह सुबह ही आमिना भी उठ चुकी थी उसको मैंने फ़्रेश कर दिया और हस्बैंड भी यहाँ फ़्रेश हो गए थे मैं तो फ्रेश होकर किचन में आ ही गई थी तो अब बस ना मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ मैंने रात में ही डिनर में रोटी बनानी थी तो एक्स्ट्रा आटा लगा लिया था वो और आलू भी बॉयल करके रख लिए थे तो फ्रिज से निकाले अब बस आलू के पराठे फटाफट से बनाने का प्लान था अच्छा ये आलू ना इस बार नए आए हैं तो इतने गल जाते हैं ये इतनी जल्दी गल जाते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं तो बस उसके वजह से ना मुझे पराठे बनाने में इतनी दिक्कत आई ठीक से पराठे बन ही नहीं रहे थे तो खैर इसके अंदर मैंने बेसिक से मसाले डाले हरी मिर्ची का पेस्ट और थोड़े से पाउडर मसाले और नमक और बस मिक्स करके ना पराठे के लिए फ़िलिंग रेडी कर ली थी और यहाँ पर चाय भी चढ़ा दी है ताकि जब तक मैं पराठे बनाऊँ तब तक चाय भी हमारी रेडी हो जाए अच्छा अभी यहाँ पर आप लिविंग रूम में देखो ना तो इतना ज़्यादा अंधेरा लग रहा है वो इसलिए क्योंकि बाहर से कोई लाइट ही नहीं आ रही इतना ज़्यादा बारिश है और पूरा आसमान गहरा हुआ है बादलों से तो इसलिए ना बहुत ही प्यारा सीन हो जाता है तो बस जी ये जैसे तैसे करके ना मैंने फटे फुटे हुए आलू के पराठे बना लिए थे खैर खाने लायक तो बने थे लेकिन आलू आप देख सकते हो साइड से इधर उधर से निकल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था मिक्सचर आलू का तो खैर ये देसी घी लगा लगा कर मैंने इनको फ्राई कर लिया नाश्ता रेडी हो गया तो बस हम सारे बैठ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह किया और घर की साफ़ सफ़ाई मैंने कर ली थी तो घर की तो मैंने झाड़ू लगाई थी और बाद में पोता लगा लिया था लेकिन ये जो गैलरी का हिस्सा है ना इसमें बहुत सा पानी जमा हो जाता है तो बारिश की वजह से तो बस ये हर दफ़ा ना यहाँ पर वैसे भी झाड़ू तो लगा नहीं सकते तो बस ये साफ़ ही करना पड़ता है तो वाइपर से पानी निकाल लेती हूँ और बाद में मैं पोता लगा लेती हूँ सूखा तो फिर गैलरी क्लीन हो जाती है तो बस ये रोज़ाना का ही काम हो जाता है एक्स्ट्रा का वरना तो बस सिर्फ झाड़ू भी लगा लेते ना तो वैसे ही गैलरी क्लीन हो जाती है लेकिन बारिश में ये एक काम ना बढ़ जाता है गैलरी साफ़ करने का फिर बाद में मैं दोबारा से किचन में आई और जो नाश्ते के बर्तन थे वो मैं वॉश कर लूँगी और फिर बाद में ना मैं लंच की तैयारी करूँगी अच्छा क्योंकि मौसम इतना प्यारा हो रहा था ना पकोड़े खाने का किसका दिल नहीं चाहेगा और फैज़ल को ना ये मूंग के पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं तो ये जो नीले छिलके वाले मूंग आते हैं ना वो मैंने लिए थे और इनको वॉश करके दो तीन दफ़ा वॉश किया और भिगा करके के मैं इन रख दूँगी तो शाम तक ना ये अच्छे खासे भीग जाएंगे और सुबह में ना नाश्ता हमारा काफ़ी हैवी हो गया था आलू के पराठे खाए थे ना तो वरना तो फेज़ल कह रहे थे कि मुझे आलू के पकोड़े भी खाने हैं चटनी के साथ जो स्पेशली वो पीली चटनी आती है ना येलो वाली वो चटनी के साथ बहुत पसंद है फेज़ल को तो मैंने कहा कि चले वो भी मैं शाम को ही बना लूँगी तो साथ में खा लेंगे दोनों पकोड़े <laughs> तो बस पकौड़ों का प्लान था और यहाँ पर अब बस मैं लंच बनाने लगी हूँ तो मैंने कुकर में थोड़ा सा तेल डाला था एक कप जितना और उसके अंदर चार मीडियम साइज़ की प्याज़ पतली पतली सी काट कर डाल दी थी अच्छा मैं बताना भूल गई मैं लंच में बना रही हूँ बहुत ही मज़े का कीमा पुलाव ज़रा इस रेसिपी पर ना आप गौर करना आप भी बनाते होे बहुत अच्छा बनाते हो लेकिन ये रेसिपी जो है ना इतनी मजे की और इससे कीमा पुलाव इतना ज़बरदस्त बनता है तो मैंने प्याज को ना ब्राउन कर लिया था ठीक है तो गोल्डन अच्छी सी ब्राउन हो जाएगी ना प्याज फिर मैंने इसमें डाल दिया था कीमा अच्छे से वॉश करके कीमे के साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें मसाले जिसमें सबसे पहले है दो टेबल अदरक लहसुन का पेस्ट तीन टीस्पून जितना हरी मिर्ची का पेस्ट और पाउडर मसाले में मैंने डाला है जीरा पाउडर हल्दी पाउडर लाल मिर्च का पाउडर धनिया पाउडर और ये नमक डाल दिया मैंने तो बेसिक से मसाले हैं लेकिन बहुत मज़े का बनेगा क्योंकि तरीका ऐसा है इसका और मैंने गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया था लास्ट में अब सारे मसालों के साथ कीमे और प्याज को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें मैं मसूर भी डाल रही हूँ तो मसूर को मैंने सुबह ही सोक कर दिया था भिगा दिया था तो आप एक डेढ़ कलाक भी इसको अच्छे से सोक कर दोगे ना, तो बहुत अच्छे से गल जाते हैं ये खीमे के साथ साथ ही मैंने टमाटर जो काटे थे मैंने चार छोटे छोटे साइज के टमाटर लिए थे तो ये टमाटर मैंने डाले थे और आलू मैंने डाले थे तो आलू ऑप्शनल है लेकिन डालते हैं ना बहुत मज़े के लगते हैं कीमा पुलाव में तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा डालने के बाद अब मैं इसको प्रेशर दिला लूँगी जब तक आलू कीमा सब कुछ मसूर जो है अच्छे से गल नहीं जाते और आपने देखा मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला जो टमाटर है कीमा है अपना पानी खुद रिलीज़ कर करके ना स्टीम में इतने अच्छे से गल जाते हैं और इतना मज़े का ज़ायका आता है मैंने ना कुकिंग में एक बात नोटिस की है कि अगर आप सब्जियों को या किसी भी गोश्त चिकन वगैरह को ख़ुद के मॉइस्चर में पकने दो ना बिल्कुल हल्की आंच पर तो उसका टेस्ट ही अलग होता है तो मैं ज़्यादातर ना एक्स्ट्रा पानी अवॉइड करती हूँ और सब्जियों को और गोश्त वगैरह को अपने ही पानी में अच्छे से मतलब बिल्कुल हल्की आँच पर छोड़ देती हूँ तो वो गलता रहता है अपने ही पानी में तो बस उसे हल्के आंच पर छोड़ दिया था और यहाँ पर चावल भी मैंने बॉईल करने रख दिए थे बासमती चावल लिए थे उसके अंदर थोड़े से खड़े गरम मसाले और नमक भी डाल दिया था तो बस ये चावलों को बॉईल करने रख दिया है और कीमा आलू जो मसूर है वो भी हल्की आंच पर पकते रहेंगे और यहाँ पर मैं लग गई थी अपने घर के दूसरे कामों में आमिना को मैंने नहला दुला लिया था और बस इसको चेंज करा लिया इसके नेल्स काटने थे बस ये हाथ में नहीं आती है भाग जाती है तो बस आज किसी तरह हाथ में आई ना तो मैंने इसके नेल्स भी कट कर दिए थे तो बस पक खाना पकता रहता है और मैं अपने जो घर के काम है वो देखती रहती हूँ इसी तरह से कैजुअली किचन में जाती हूँ इस तरह से एक दो तो बार और देख लेती हूँ चम्मच चला लेती हूँ चीज़ें चेक कर लेती हूँ और साथ साथ जो रैंडम जो हमारे घर के काम होते हैं हाउस वाइफ्स के वो भी चेक करती रहती हूँ और वो करती रहती हूँ और यहाँ पर ना फेज़ल फिश पॉट साफ कर रहे थे अच्छा ये चावल बॉईल हो गए थे ना तो इसे मैंने स्ट्रेन कर लिया और इसमें बस मैंने एक कणी रखी थी इतनी सी कि इसको दम देना तो ये पूरे कम्प्लीटली कुक हो जाए तो बस हल्की सी कसर रखनी है और ये खीमा आलू देखो ये यखनी भी रेडी हो गई है इसके अंदर बस लास्ट में मैंने ना थोड़ा सा चॉप करके डाल दिया था पुदीना और ये इतनी टेस्टी सी खीमे की यखनी रेडी होती है तो इसका पुलाव भी बहुत मज़ेदार बनता है अब बस बिरयानी की तरह इसको मैं एजेम्बल कर रही हूँ तो पतीले में सबसे पहले चावलों का लेयर मैं लगा दूँगी अच्छा मैंने दही यूज़ नहीं किया क्योंकि वैसे रिकमेंडेड नहीं है कि आप गोश में या बीफ के साथ स्पेशली या मटन भी हो तो उसके साथ दही यूज़ करो तो इसलिए मैंने टमाटर ना चार डाले थे छोटी साइज़ के ही थे लेकिन चार डाले थे तो उससे अच्छा खासा टेस्ट जो हल्की फुल्की खटास आनी है वो भी बैलेंस हो जाती है तो मैं अक्सर ये जो यखनी है ना खीमे की ऐसे ही बनाती हूँ बिना कोई दही वगैरह के बस टमाटर ना अच्छे से क्वांटिटी में ले लेती हूँ तो ये देखो खीमे का सारा मैंने लेयर लगा दिया था एक और इसके ऊपर दोबारा से चावलों का लेयर लगाया और जो आलू थे ना वो काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे तो उसको मैंने कॉर्नर्स में ही रख दिया ताकि निकालते वक्त भी ना वो पूरे पूरे चम्मच के साथ ही निकल आए मतलब उसके बहुत छोटे पीसीस ना हो जाए बस फिर ऊपर से मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली येलो फूड कलर डाला और उसको ढककर मैं दम पर रख दूंगी। और यहाँ पर ना ये रायता भी मैंने रेडी कर लिया था बस खीरे और प्याज काटे थे इसके अंदर दही हरे धनिए की और हरी मिर्च नमक डालकर चटनी बनाकर डालते हैं ना इतनी मज़े की लगती है ये रायता ना तो मैं खुद कटोरा भर के अकेली खा सकती हूँ मुझे इतना पसंद है तो बिरयानी और पुलाव के साथ तो ये होना मस्त है तो वो भी बना के रख दिया और यहाँ पर कीमे पुलाव को मैंने पंद्रह बीस मिनट के लिए हल्की आँच पर दम के लिए रख दिया था तो ये देखो दम होने के बाद यहाँ पर ये इसकी शक्ल है मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ तो अभी तो खाने का वक्त नहीं हुआ था लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को प्लेटिंग करके दिखा देती हूँ बाद में जब लंच करेंगे तब सुकून से बैठ जाएगी लेकर तो ये देखें कितना प्यारा सा इसका लुक आया है और ये इतना जायकेदार बनता है ना एक बार सिंपल रेसिपी है तो ज़रूर घर पर ट्राई करना उंगलियाँ चाटते रह जाओगे ऐसा कीमा पुलाव बन के रेडी होगा ये मेरी गारंटी है लंच वगैरह कर लिया था और यहाँ पर जो सारे बर्तन निकले थे वो भी मैंने वॉश कर लिए थे जब खाना बनाते हैं ना तो खाना बनाने से तो डर नहीं लगता लेकिन बर्तन जो निकलते न उनसे तो मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि सबसे बोरिंग काम मुझे लगता है बर्तन धोना तो बस वो मैंने निपटाया और अब यहाँ पर मशीन मैं लगा रही हूँ ताकि कपड़े धुल जाए क्योंकि अभी ना मैं दोपहर में थोड़ा सा सो जाती हूँ रेस्ट ले लेती हूँ क्योंकि मेरा जो एग्जॉशन लेवल होता है ना इतना हाई हो जाता है बहुत जल्दी मैं थक जाती हूँ थोड़े थोड़े काम करती हूँ और मुझे थकान होने लगती है तो वैसे वीडियो में तो आपको नज़र नहीं आता होगा बस ऐसे ही चलती फिरती एक्टिव आपको लेडी दिख रही होगी लेकिन आप यकीन माने काम करते करते इस कदर मुझे थकान हो जाती है ना कि फिर मैं दोपहर में ना चुपचाप आमना को लेकर सो ही जाती हूँ चाहे फिर काम हो ना तो भी मैं नहीं करती हूँ बस सुकून से सो जाती हूँ तो एक घंटे की नींद मेरे लिए मस्ट है दोपहर में अच्छा मेरी कुछ सिस्टर्स है जो मुझे आउट ऑफ कंसर्न फिकर के हिसाब से पूछती है कौन सा महीना चल रहा है और आप आराम करो वगैरह वगैरह तो अलहमद्लह आराम तो मैं करती हूँ लेकिन घर के काम भी करने ही होते हैं कौन करेगा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा और एक्चुअली ऑप्शन होता है हमारे पास दो एक तो सुस्ती में आप पड़े रहो बेड पर या तो फिर दूसरा ऑप्शन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ने सेहत दी है चलना फिरना दिया है बेड रेस्ट वगैरह कुछ डॉक्टर ने आपको रेकमेंड नहीं किया है अच्छी खासी तबीयत है तो फिर बस चलते फिरते रहो और घर के काम करते रहो तो वक्त भी अच्छा गुजर जाता है और बस पूरा दिन बेड पर तो पड़े नहीं रह सकते ना तो बस मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया है कि मैं एक्टिव रहूँ और चलती फिरती रहूँ और जैसे नॉर्मली मेरे घर के काम करती हूँ ना वैसे करूँ लेकिन हाँ मेरी तबीयत तो ठीक रहती है अलहमद लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मतलब जो नॉर्मली मुझे थकान लगती थी ना उससे बहुत ज़्यादा मुझे थकान लग जाती है तो उसका इलाज ये है कि बस मैं सो जाती हूँ आराम कर लेती हूँ तो बस दोपहर में मुझे एक घंटे की भी नींद मिल जाती है ना तो दोबारा से शाम में तो मैं फ़्रेश और एक्टिव हो जाती हूँ अलहमदिल्ला तो बस अपनी बॉडी के हिसाब से और अपनी तबीयत के हिसाब से ही मैं चलती हूँ हाँ ये बात का थोड़ा सा अफसोस रहता है कि व्लॉगिंग अब मैं इतना इतनी फ्रिक्वेंट नहीं कर पाती हूँ लेकिन इट्स ओके प्रायोरिटीज़ भी होती है फैमिली है फैमिली को भी टाइम देना है सारे घर के काम भी करने होते हैं तो इट्स ओके टाइम के साथ सब कुछ लेवल हो जाता है बैलेंस हो जाता है अभी बस मैं अपनी प्रायोरिटीज पर ही ज्यादा ध्यान दे रही हूँ जो ऑलरेडी मॉम्स हैं उनको तो पता ही होगा कि बच्चे के साथ पूरा दिन ना कैसे गुजर जाता है so ओ, 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 इतनी प्यारी इतनी प्यारी oh. आमिना का मैस हर एक जगह पर है लिटरली हर एक रूम में इस तरह का मैस ना कलेक्ट हुआ रखा है <laughs> तो बस अब ये सब उठाना पड़ेगा और ये देखो ये रूम में बस सारी बुक्स वगैरह और यहाँ पर ये रूम तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर ऐसे ही रहता है इसके सारे टॉयज इसी तरह से बिखरे रहते हैं ज़्यादातर क्योंकि आप दस बार भी उठा लो ना पूरा दिन में तो भी ये साफ़ नहीं होता कमरा ये ऐसा वाला है बस अब जगह जगह से सारा मैस उठाना है मेरी बैटरी भी लो है और मोबाइल की बैटरी भी लो है बस अब चार्जिंग में रखूँगी मैं मोबाइल को और फिर बाद में देखते हैं व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी अच्छा जी अब ये असर के बाद से ना मैंने व्लॉगिंग रिस्टार्ट की थी आमिना को लेके मैं सो गई थी बाद में उठी नमाज़ पढ़ी और कपड़े भी धुल गए थे क्योंकि सोने से पहले मैंने मशीन लगा दिया था और अभी बस चाय बनाई अपने लिए चाय पीऊँगी सुकून से बैठकर और फिर दोबारा से घर के कामों में लग जाऊँगी अच्छा ये मूंग ना बिल्कुल अच्छे से सोख हो गए थे तो एक बार जब ये भीग जाते हैं ना तो आप इसको थोड़ा सा हाथों से मसलोगे तो इसके छिलके इस तरह से अलग हो जाएंगे मतलब ग्रीन जो छिलके हैं इसके ऊपर वो अलग हो जाएंगे तो वो छिलकों को आपको अलग कर लेना है और मूंग को अलग कर लेना है वैसे आपको लगता होगा अगर आपने कभी बनाया नहीं है ना तो लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है लेकिन नहीं पानी से आप इसको अलग कर लेना वॉश करते हुए तो बहुत ईजीली ये सारे छिलके ये देखो मैंने अलग कर लिए और मूँग अलग कर लिए अब मैं बताती हूँ इसके आसान से ना पकौड़े बनाना जो कितने मज़े के बनते हैं एक बार आप बना लोगे ना ये पकौड़े तो आपको इतने मजे के लगेंगे एक तो आसान इतने हैं और ऊपर से खाने में इन्हें बहुत मजा आता है अच्छा अब ये जो भी हुए मूंग है ना इनको मैं क्या कर रही हूँ दर -दरा सा पीस रही हूं तो मिक्सी के जार में मैंने दो बैच में डाले थे मतलब दो दफा डाले थे और इनको मैंने बिल्कुल दरदरा सा पेस्ट इनका बनाया था मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी तो ये देखो ये मैंने इसको पीस लिया है और बहुत ज्यादा इसका पेस्ट नहीं बना देना स्मूथ इसको दरदरा सा ही रखना है तो आप इसमें कुछ अखे मूंग भी देख सकते हो मतलब कुछ खड़े खड़े मूंग आपको नजर आ रहे हो ये देखो बिल्कुल स्मूथ नहीं है दर दरासा है अब इसके अंदर मैंने डाला है हरी मिर्ची का पेस्ट जितने आपको तीखे पकौड़े चाहिए उतने मैंने माइल्ड से ही रखे थे फिर इसके अंदर मैंने डाला है हल्दी पाउडर ये आमिना भी एक्चुअली बहुत शौक से खाती है इससे ज्यादा तीखे नहीं किए मैंने धनिया पाउडर डाल दिया थोड़ा सा और ये नमक डाला बस ये सिंपल सी चीज़ें जाएगी बेसन में डालूंगी बाइंडिंग के लिए तीन टीस्पून स्पून दो तीन टी आप डाल सकते हो इसके अंदर तो ये तीन टी मैंने डाली और चॉप करके बारीक प्याज डाल देनी है प्याज से बहुत अच्छा टेस्ट और टेक्स्चर आता है हाथों से सब कुछ अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और ये पकोड़े का मिक्सचर बिल्कुल रेडी था अब बस इसको आपको ना डीप फ्राई करना होता है तो अच्छे से तेल गरम करके हाथों से आप इस तरह से छोड़ते जाओ तेल में तो पकोड़े बन जाएंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लो तो इसको तो आप तुरंत भी फ्राई कर सकते हो लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए रख रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट की है कि इसको थोड़ी देर रखते हैं ना तो टेस्ट इसका और ज़्यादा बढ़ जाता है तो लगभग आधे घंटे के, के लिए तो मैंने एक पकोड़ा को बैटर को छोड़ दिया था बाद में मैं बनाऊंगी और यहाँ पर हलीम बनाने का भी मेरा प्लान था तो मैंने घऊँ को गला लिया था गोश्त में मसाला डालकर गोश्त को भी गलाने रख दिया था अच्छा यहाँ पर अब बस मैं थोड़े से आलू के पकौड़े फ्राई कर रही हूँ बस फेजल जितने मैंने बनाए थे ज्यादा नहीं तो बस ये थोड़े से आलू के पकौड़े थे और साथ ही जो येलो चटनी आती है वो भी मैंने बना ली थी थोड़े से पकौड़े इन्जॉय किए और दोबारा से मैं किचन में आ गई क्योंकि तेल गर्म था कढ़ाई में तो मैंने सोचा कि मूंग के पकौड़े भी मैं फ्राई कर रही कर लेती हूँ तो ये बस आप देख रहे हो हाथों से बस सिंपली डालते जाना है आपको जितने बड़े छोटे बनाने हैं उस हिसाब से छोटे छोटे पोर्शंस लेकर ये जो पकौड़े का बैटर है ना उसके लेते जाना है और तेल में छोड़ते जाना है और अच्छे से मीडियम फ्लेम पर यह गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है पकौड़े भी ऑलमोस्ट फ्राई हो गए थे और हलीम भी दूसरी साइड मैंने रेडी कर ली थी बघार दे दिया था मैंने इसको और बस ये हमारा मजेदार सा डिनर भी रेडी था हलीम विथ मूंग के पकौड़े बाहर से तो ये क्रिस्पी और करारे से होते हैं और अंदर से ना ये सॉफ्ट होते हैं जो अक्खे मूंग होते हैं ना इसके अंदर बहुत अच्छे लगते हैं और प्याज का भी टेक्सचर आ रहा होता है तो इसलिए दरदरा सा ही पेस्ट बनाना जब मूंग को पीसो तो अच्छा अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट दस ये दस बज रहे हैं। और डिनर वगैरह तो हो गया है कब से किचन वगैरह समेट लिया सब कुछ साफ सफाई कर ली घर की और आमना गई उसके अबू के साथ दोनों का कुछ ठंडा खाने को दिल किया तो वो लोग दोनों बाहर चले गए तो बस अब मेरे घर के सारे काम तो हो गए बस लास्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट काम अब मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज और फिर बस जी शायद इसी के साथ नाम व्लॉग को मैं एंड करूँगी इन तो बस जी अब नमाज़ पढ़ूँगी और इसी के साथ दस बजे मैं ब्लॉक को एंड कर रही हूँ चले जिल्ल हाफ अच्छा जी तो बस नमाज़ पढ़ी और मैं सुकून से लेट गई थी बेड पर ये दोनों आ गए थे मेरी फेवरेट वाली कुल्फ़ी लेकर तो वो एंजॉय की और बाद में जी बस सो गए थे <laughs> चले जी इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ अपना और फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में खास याद रखें अल्लाह हाफिज़